हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज़ राजवीर. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई हाईलाइटर. येस, कि अपने हाई पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करते हैं. और सबसे पहले ये जो मेकअप कर रखा है, मैंने पहले वीडियो बनाई है फाउंडेशन की. अगर आपका फेस मतलब केकी रहता है, फाउंडेशन फटता है, फाउंडेशन आपका क्रीज बनती है, फाउंडेशन के अंदर आपकी ब्लैक हो जाता है फाउंडेशन, या लगे बाद खत्म ही हो जाता है फाउंडेशन, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है ये कवर पेज. इसमें मैंने बताया है और ये ऊपर वीडियो जारी होगी, इस किसी भी साइड पर जारी होगी, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं. तो वो उस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी. और सेकंड मैंने कंसीलर का बताया, उसका कवर पेज भी यहाँ देती हूँ कि कंसीलर कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी आप देख लेना. और उसका वीडियो भी ऊपर चल जाएगा, तो कंसीलर की भी प्रोसेस होती है, कैसे आपको लगाना होता है. और थर्ड वीडियो जो मैंने बनाया था कि हाउ टू कॉन्टोर और ब्लश, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, कॉन्टोरिंग एंड ब्लश मेरे डन है फेस पे, और कॉम्पैक्ट भी डन है, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई. उसका कवर पेज ये रहा. अगर वो आपने नहीं देखी तो ऊपर भी लिंक आ रहे हैं वीडियोस के, नीचे भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके देख लेना. क्योंकि फाउंडेशन लगने के बाद, कंसीलर लगने के बाद, कॉन्टोर होने के बाद, ब्लश लगने के बाद हम हाइलाइटर लगते हैं, तो ये लास्ट का स्टेप है, तो पहले वाले स्टेप आपको करने पड़ेंगे, तो इसके लिए वो वीडियो देखनी पड़ेगी. तो अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और चैनल बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली वीडियो. तो हाइलाइटर के लिए दो तरह के हाइलाइटर होते हैं, एक होता है पाउडरी हाइलाइटर, एक होता है लिक्विड हाइलाइटर. दोनों हाइलाइटर के मैं अप्लाई करने के बाद बताऊंगी. तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला हाइलाइटर है, इन शेड 202 गोल्ड शेड है ये, गोल्डन सिल्वर मिक्सअप सा टोन, ऐसी होती टोन इनकी हाइलाइटर की. तो ये लिक्विड शेड मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ड्रॉप्स में होता है ये वाला हाइलाइटर. कहाँ अप्लाई करते हैं सबसे पहले बात, तो देखो कॉन्टोर हुआ, ब्लश हुआ, ये जो हमारा एरिया ना, जस्ट यहाँ आ जाओ आप नीचे, ब्रश से बताती हूँ आपको. ये हमारा कॉन्टोर पार्ट, ये ऊपर ये वाला, ये हमारा ब्लश पार्ट, एंड देन यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये हमारा हाइलाइटर पार्ट है. ये हाइलाइट पॉइंट्स होते हैं, ये वाले हाइलाइट पॉइंट. अभी जैसे नोज़ की मदद से बताऊँ तो ये वाला हाइलाइट आपका जो लिप का ये सेंटर पार्ट है, और यहाँ पर ब्रश रखना है और यहाँ पर सेंटर करना है आपको, यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है ना, ये हाइलाइटर हाइलाइट एरिया होते हैं, मतलब यहाँ पर आपको लगाना हाइलाइटर, तो इस एरिया पे हाइलाइटर लगता है. तो यहाँ से मैं कुछ ड्रॉप्स ले रही हूँ और इसको इस जगह पे इस तरीके से रखा मैंने, और सेम मैंने इस साइड रखा, ठीक है. और एक डॉट मैंने नोज़ के बिल्कुल सेंटर में आगे आगे रखा है, यहाँ पर निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा, हाँ. और सेम एक डॉट मैंने अपने चिन पे रखा, क्योंकि लिक्विड हाइलाइटर है, लिक्विड थोड़ा कम लगाते हैं, पाउडरी ज़्यादा लगाते हैं, लिक्विड पे ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है. थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल लिप्स के ऊपर, ऊपर वाले लिप्स के यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रिज लाइन के स्टार्टिंग पे, देन सॉरी हाँ आपके यहाँ पर फोरहेड के बिल्कुल सेंटर पे, हेड के फोरहेड के बिल्कुल सेंटर पे, तो ये एरिया होते हैं हाइलाइट के, हाइलाइट एरिया. लिक्विड जिस पे अप्लाई कर सकते हो, देखो जो पाउडरी होता है वो तो एक दो जगह और भी लग जाता है, लेकिन लिक्विड तो सिर्फ यहीं पे लगता है. तो ये एरिया होते हैं हाइलाइटर एरिया. तो अभी हमें ये करना है ब्लेंड. तो ब्लेंड करने के लिए आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो और ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लेंडर, इसको वेट कर लिया पानी में डाल के, पहले ड्राई नहीं होना चाहिए, मेक श्योर. इस तरीके से आपको इसको ब्लेंड करना है उसी एरिया पे जहाँ आपने लगाया है इसको अच्छे से. देखो अभी ब्रश इधर उधर नहीं जाना चाहिए, यहाँ 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 नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ 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 रहना चाहिए आपका ब्रश ही वाला. अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है फटाफट से. ओके, देन सेम नोज पे ब्लेंड कर लेना है, और जो आपने हेड के सेंटर पे लगाया है वो ब्लेंड कर लेना है. तो लिक्विड हाइलाइटर ब्लेंड होने के बाद हम यूज़ करेंगे एक पाउडरी हाइलाइटर, और मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर क्रोम मैबलिन न्यू का बाय फेस स्टूडियो ये हाइलाइटर. ओपन हो जा. इन शेड. चलो जो भी है, तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं मैबलिन का. इसके ऊपर शेड आई थिंक लिखा होना चाहिए, मेटैलिक हाइलाइटर है ये, तो जो भी शेड है. चलो इस तरीके से आपको एक फ़ैन ब्रश की नीड है. आप फ़ैन ब्रश नहीं तो कोई भी और छोटा ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई नीड नहीं कि फ़ैन की ही नीड है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर फैन से ही लगाया जाता है. तो इस तरीके का ब्रश का आपको नीड है, और आपको प्रोडक्ट को इस तरीके से ऊपर लेना है ब्रश पे, इस तरीके से लेके डस्ट ऑफ करना है, ज़्यादा हमें लगाना जहाँ पे हमने पहले लगाया था ये एरिया पे. कॉन्टोर हमारा यहाँ है, ब्रश हमारा यहाँ है, और इस एरिया पे आपको लगाना है हाईलाइटर यहाँ पे. इससे नीचे आपका ब्रश नहीं जाना चाहिए, और इससे आगे आपका ब्रश नहीं आना चाहिए, यहाँ से आगे आपका ब्रश नहीं आना चाहिए, और इस एरिया से आपका ब्रश
ऊपर नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, तो ये एरिया होता है। तो इस जगह पे आपको, और यहाँ पे हल्का सा इस साइड से आपको भी करना है, हाईलाइट करना है, तो ये पार्ट यूँ हाईलाइट करना है इस तरीके से। सेम प्रोसेस आपको दूसरी साइड करनी है। इसी हाइलाइटर को लेके चिन पर यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, चिन पे अप्लाई करना है थोड़ा सा, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सेंटर में चिन के अप्लाई करना है, और थोड़ा सा नोज लिप्स के ऊपर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट हुआ ना ये वाला। और इस तरीके से ब्रश का ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से लगा के डस्ट ऑफ करके, बिल्कुल नोज़ के जो ब्रिज लाइन है हमारी, जहाँ पे हमने कंसीलर करा था, छोटी सी जगह जहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट लगाया था, इस लाइन पे, और स्टार्टिंग पे थोड़ा ज़्यादा रखना है हमने प्रोडक्ट को इस पर, और लेकर बिल्कुल सेंटर के हेड के, फोर हेड के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर। और थोड़ा सा लेके इसकर बिल्कुल आईब्रोज के नीचे यहाँ पर, अभी आईब्रो फिल नहीं की मैंने करनी है, मैंने आईब्रोज के नीचे यहाँ पर अप्लाई करेंगे दोनों साइड, और इनर कॉर्नर में अप्लाई कर सकते हो आई मेकअप के बाद, अभी आई मेकअप डन नहीं है मेरा। इनर कॉर्नर के लिए आपको छोटा ब्रश चाहिए, इस तरीके से लगा के और आप इनर कॉर्नर में अप्लाई कर लो। अब आप देख सकते हो ये इनर कॉर्नर पे अप्लाई करने के बाद कैसा लुक आ रहा है और बिना कैसा आ रहा है। तो इस तरीके से आप हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हो। ये एरियाज होते हैं हाईलाइट अप्लाई करने के, यहाँ पे लगाया हमने, देन फोरहेड के बिल्कुल सेंटर में, नोज की ब्रिज लाइन पे, लिप्स के ऊपर, चिन पर, और ये चिक्स पर, और आईब्रोज के नीचे। तो ये एरिया होते हैं हाइलाइटर के। प्लस अगर आपका नेक डीप है तो ये जो लाइन जा रही है नेक की, इस पर अप्लाई करते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं, और देन सेंटर में इस तरीके से कर देते हैं, तो वहाँ पे कॉन्टोरिंग भी हो जाता है। तो ये तरीका है हाइलाइटर अप्लाई करने का। अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करना, अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है तो जरूर लाइक करना, और प्लस देखने से इतना नहीं समझ आता, देखने से सिर्फ देख के रह जाते हैं, करने से पता चलता है। तो आप एक दो बार ट्राई करो, गलत भी लगेगा कोई बात नहीं, फेस वॉश कर लो वापस, कहीं जाना होता है तब मत करना, वैसे कभी फ्री होते तब आप ट्राई करो, तो एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपको सीखना, मतलब सीख जाओगे ज़्यादा। तो ट्राई करना जरूर हाइलाइटर, कॉन्टोर ब्रश, सब वीडियोज आपको नीचे मिल जाएंगी, वो आप देख लेना। तो वीडियो पसंद आती है जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।